समुद्र और गुरुजी में यही फर्क होता है, समुद्र और गुरुजी में यही फर्क होता है कि समुद्र की गहराइयों में इंसान डूब जाता है, समुद्र की गहराइयों में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराइयों में इंसान तर जाता है, इंसान तर जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वंशिका ठाकरे, कक्षा 9वीं की छात्रा, आज आपके सामने विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है महान व्यक्तियों के जीवन से मिली प्रेरणा। मुझे एक यूट्यूबर से प्रेरणा मिली है जिसका नाम है ध्रुव राठी। अब आप सोचेंगे कि एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से हमें कैसे क्या प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने इस स्वार्थी जग में अपनी स्वार्थी भाव से और किसी की भी परवाह न किए वह समाज के विरोध में जाकर समाज को सही राह दिखाने के लिए लड़ता हो और वह विचारों के तलवार लिए लड़ता है। हमारे समाज में यह बात फैली हुई है कि जो व्यक्ति अपने हाथों में तलवार लेता है और परांगण में लड़ता है या फिर परांगण में खुद की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाता है वही व्यक्ति महान व्यक्ति कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो वह महान व्यक्ति है जो अपने सांसारिक जीवन की परवाह न किए, खुद के जीवन की परवाह न किए, अगर समाज को सही राह दिखाता हो तो वही महान व्यक्ति है। और हमारे समाज में एक और गलतफहमी भी फैली हुई है कि आज के युग में हम अगर किसी व्यक्ति से अगर प्रेरणा लेते हो तो जो पास्ट में हुए या फिर भूतकाल में जो व्यक्ति अपने परांगण में वीरगति को प्राप्त हो गए या फिर समाज के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए उनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन वक्त के हिसाब से जो महान व्यक्ति है वो भी खुद में बदल लाते हैं या फिर वो खुद बदलते हैं। जैसे कि अगर हम पुराने वक्त में देखें तो शिवाजी महाराज हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे देश के लिए लड़े वो भी किसी का प्रेरणा स्रोत हो सकता है, लेकिन आज के वक्त की ज़रूरत के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो भी किसी महान व्यक्ति से कम नहीं। उन्होंने अपनी जीवन कथा बताते हुए यह प्रेरणा दी थी कि अगर किसी महान व्यक्ति से सीखना है तो उससे धैर्य सीखो, समाज के विरुद्ध में जाकर समाज को सही राह दिखाने के लिए, सकारात्मक दिशा दिखाने के लिए अगर तुम संघर्ष करते हो और संघर्ष करते करते अगर तुम्हारी जान चली जाए तो यह समझ लेना कि पूरी व्यवस्था तुमसे हार गई है और तुम एक इंसान हो जिससे पूरी व्यवस्था हार गई है और तुम उनके विरुद्ध जीत गए हो। हमारे देश में अगर हम व्यवस्था का अगर विरोध करें तो सभी को लगता है कि हमारा नरेंद्र दाभोलकर जैसा या फिर गोविंद पानसरे जैसा हाल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की परवाह न किए चुनाव के दौरान जो व्यवस्था के गलत इरादे थे उनका पर्दाफाश किया। जैसे कि विषय देखिए, तानाशाही की ओर बढ़ता देश, राहुल गांधी अकाउंट फ्रीज, इलेक्टोरल बॉन्ड, कोलकाता केस जैसे उन्होंने केसेस पर वीडियो बनाए, निडर होकर उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनको कहते थे कि तुम जर्मन शेपर्ड हो, अगर तुम्हें बोलना है तो हमारे सामने आकर बोलो, हमारे सामने संसद भवन में आकर बोलो, देश में आकर बोलो, इतनी तो हिम्मत तुम में नहीं है। लेकिन उनको पता था कि अगर मैं भारत में आया तो मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी या फिर मेरा भी हाल गोविंद पानसरे या फिर नरेंद्र दाभोलकर जैसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उनको डेथ थ्रेट्स दिए गए, उनको मारने की धमकी दी गई, लेकिन वह डरे नहीं या फिर बिना डरे उन्होंने अपने वीडियोस बनाना चालू रखे। उनके चैनल को भी कैंसिल करने की धमकी दी गई, लेकिन वह लड़े। और इससे मुझे यह प्रेरणा मिलती है, इससे जो प्रेरणा या जज्बा और आत्मविश्वास के साथ आज मैं आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। मैं आपको मेरे बचपन का एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। मैं जब 10 साल की थी मेरी माँ ध्रुव राठी के वीडियोस देखा करती थी। उनके भारी भारी विषय मेरी समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी उनके भाषण कौशल्य से मैं इतना प्रभावित हो गई कि उनके वीडियोस देखना मेरी आदत सी बन गई। फिर धीरे धीरे मेरी जानकारी का स्रोत वह चैनल बन गया और आज मैं आत्मविश्वास के साथ, सत्य के साथ आपके सामने पूरे अपने विचार जो है वो प्रस्तुत कर पा रही हूँ, विचार साझा कर पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने अपनी जीवन कथा में छात्रों के लिए भी एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में हमें 80-20 रूल रखना चाहिए, मतलब कि अगर तुम 80% लाने के योग्य हो तो बाकी के 20% लाने में 7-8 दिन और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है या फिर खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें 95% लाने हैं, हमें उस टॉपर की बराबरी करनी है, लेकिन हम खुद में जो खूबी है उस पर कभी काम करते ही नहीं है।
हमें वो 7-8 दिन खुद की खूबियों पर काम करने में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वह हमारे ध्येय की तरफ बढ़ने के लिए उस 20% से ज़्यादा यानी कि 10 कदम और हमारे लिए वह मददगार होगा या फिर मददगार सिद्ध होगा। मैं आपको एक मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। जैसे कि झूठ का साया दूर करने में सूर्य की पहली किरण भी नहीं चुकती, झूठ का साया दूर करने में कि सूर्य की पहली किरण भी नहीं चुकती, लेकिन हमारे समाज में वही एक स्रोत है, वह है यह महान व्यक्ति, वह है यह महान व्यक्ति। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, बिना निडर हुए वह समाज को सही दिशा दिखाने के लिए लड़ते रहे और युवा पीढ़ी को सही राह दिखाने के लिए लड़ते रहे। वह भी एक युवा ही हैं, लेकिन उनको यह बात जल्द से जल्द समझ में आ गई कि हमारे भारत को आज किसकी ज़रूरत है और हमारी युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत है। आज सिर्फ शिव जयंती या फिर अंबेडकर जयंती की तरफ हम जब नारे लगाते हैं उसी के या फिर उस दिन तक ही सीमित हम उन व्यक्तियों को हमारे नज़रिए में रखते हैं। उन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी, लेकिन उनमें जो गुण है वह हम आत्मसात नहीं करते या फिर वह विचार हम तक पहुँचाने के लिए और एक प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत है और वह प्रेरणा स्रोत मुझे उनमें दिखाई दिया है। जाते जाते सिर्फ ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा, अगर गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा तो एकलव्य बनने में भय कैसा, तो एकलव्य बनने में भय कैसा। धन्यवाद।